पासपोर्ट स्कैन होने के बाद आप लोग अंदर जा सकते हो बिना। तो वो 140 किलोमीटर का जो जर्नी है ना वो होने वाला है मात्र 32 मिनट का। बुलेट ट्रेन कितनी फास्ट जाएगी। अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने, एक एक कदम पे निगाहें यहाँ के गवर्नमेंट के आदमी कुछ भी करता हो बोले। बीच में एक जॉइंट होता है, दो बुलेट ट्रेन को ज्वाइंट करके रखते हैं। तो गाइज अब चलते हैं, बाहर से बहुत देख ली बुलेट ट्रेन, अब हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और अभी मैं हूँ चाइना का एक पार्ट है ग्वांगझो। ग्वांगझो है जो कैपिटल है, ग्वांगडोंग जो यहाँ का प्रोविंस है उसकी। और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से शेंजेन, और आज मैं लेने वाला हूँ चाइना की पहली बुलेट ट्रेन। यहाँ से ग्वांगझो से जो शेंजेन है वो है लगभग 140 किलोमीटर, और ये ट्रेन जर्नी होने वाली है मात्र 32 मिनट्स का। अब आप लोग देख लो कितनी तेज बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो आइए आज आप लोगों को ये बुलेट ट्रेन जर्नी दिखाता हूँ। यहाँ की बुलेट ट्रेन में मैंने सफर नहीं किया, हालांकि मुझे चाइना विजिट करते हुए तो लगभग 20 दिन हो गया है, लेकिन बुलेट ट्रेन में मैंने सफर नहीं किया है। तो आज अपनी पहली बुलेट ट्रेन जर्नी होने वाली है, और आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार चाइना ने इतना डेवलपमेंट कैसे किया बुलेट ट्रेन में। यहाँ की बसें सुबह सुबह की हलचल ऐसी है, सुबह सुबह बिल्कुल भी लोग नहीं दिखेंगे आप लोगों को सड़कों पे। अभी टाइम हो गया लगभग 5:30 और मेट्रो 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली जो हमारा ट्रेन स्टेशन है ना वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर के लिए मुझे लेनी पड़ेगी मेट्रो। हमारी ट्रेन है 7:30 बजे, तो अभी हमारे पास लगभग 1.5 से 2 घंटा है, तो हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। फिर वहां से हम लेंगे हमारी बुलेट ट्रेन। यहां जो ग्वांगझो का साउथ रेलवे स्टेशन है ना वहां से है हमारी ट्रेन। अभी टाइम हो गया 5:52, ऑनलाइन है जो 6 बजे टाइम दिखा रहा था, लेकिन 5:52 पे देखो मेट्रो आ भी गई है। और ये आज पहली बार मैंने येल्लो मेट्रो देखी है यहाँ पे, आज से पहले मैंने येल्लो मेट्रो नहीं देखी। बहुत कम भीड़ है, वरना दिन में तो इतना भीड़ भड़ा का मिलेगा यहाँ पे पूछो मत। एक मेट्रो ले ली है, अब आगे चल के एक और मेट्रो हम लोगों को चेंज करनी है। यहाँ के लोगों का लाइफ मुझे लगता है मेट्रो में ही कट जाता होगा। मेट्रो स्टेशन देखो, लेकिन क्या ये मेरे को येल्लो वाली मेट्रो ना भाई बहुत ही प्यारी लग रही है यार, बहुत खूबसूरत मेट्रो लग रही है ये वाली येल्लो वाली। और चलते हैं नीचे, अब हम लेंगे दूसरी मेट्रो। इस साइड से उस साइड में जाने के लिए कम से कम 2-3 मेट्रो चेंज करनी होती है। यहाँ पे कहीं भी जाओ 2-3 मेट्रो चेंज करनी ही पड़ेगी, मतलब डायरेक्ट मेट्रो है ना वो बहुत कम मिलेगी। ये है मेट्रो वगैरह चेंज करना पड़ेगा, लाइन वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, वो बड़ा ही ट्रिकी काम होता है यहाँ पे। देखो हम लोग अभी है गोन युआन कियान हेट है ना, और हम लोगों को जाना जो लास्ट वाला दिख रहा है ना ग्वांगझो साउथ रेलवे स्टेशन। ये देखो गेट खुलने वाला है, सिम सिम खुल गया। सुबह सुबह बड़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी, बाकी यहाँ भीड़ बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ होती है यहाँ पे। ये देखो ये वाली मेट्रो तो पूरी की पूरी खाली है। अभी मैं आ गया हूँ मेट्रो लेके यहाँ के जो साउथ रेलवे स्टेशन है ग्वांगझो का, और यहाँ पे देखो सुबह सुबह के 6 बजे कितनी भीड़ भड़ाका है। यहाँ पे काउंटर वगैरह सारे खुल गए हैं, ये है हेल्प डेस्क काउंटर्स यहाँ के। देखो हम लोग आ गए हैं मेट्रो लेके, और उधर से हम लोगों की मेट्रो थी, और हम लोगों को जाना है ऊपर। यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे मेट्रो और जो अदर सिटीज़ के लिए जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना वो दोनों एक जगह ही होते हैं, तो आप मेट्रो से बहुत इजीली है ना जो रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ शेंजेन। शेंजेन है जो यहाँ से 140 किलोमीटर है ग्वांगझो से, तो वो 140 किलोमीटर का जो जर्नी है ना वो होने वाला है मात्र 32 मिनट का। अब आप लोग देख लो बुलेट ट्रेन कितनी फास्ट जाएगी, मात्र 32 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे शेंजेन। 140 किलोमीटर दूर एक दूसरी सिटी है वहाँ पे। एक बार यहाँ पे अंदर चेक इन कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा यहाँ के जो मेट्रो का हिस्ट्री है ना वो क्या हिस्ट्री है, यहाँ पे कितने क्या मेट्रो चलते हैं, और कितना क्या मेट्रोज का यहाँ पे नेटवर्क है, क्या स्पीड है, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी सी देर में। चेक इन करने से पहले आप लोगों को दिखाता हूँ ग्वांगझो सिटी। ये सामने है ग्वांगझो सिटी। हालांकि ग्वांगझो सिटी में इतनी ज्यादा कोई खास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी, कुछ एक गिनी चुनी बिल्डिंग्स मिलेगी जो आपको सामने दिख रही है ना। वाह जी वाह, क्या ही सुबह का यहाँ पे मौसम हो रखा है, क्या वेदर हो रखा है। सुबह सुबह कितनी हलचल है, मतलब जो मेट्रो थी ना मेट्रो में तो इतना कोई खास ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था, लेकिन जो सामने भीड़ है ना वो देख के ओ माय गॉड, ये देखो कितना भीड़ है यार, माय गॉड सुबह सुबह इतना भीड़। यहाँ पे हर किसी का ना चेहरा फेस स्कैन होके जाता है वो कैमरा से। यहाँ पे आप जहाँ भी जाओगे ना आपका फेस डिटेक्ट होता है, आपका फेस स्कैन होता है। ये देखो
एक एक कैमरा है, इसमें आप लोगों को स्कैन करेंगे। देखो सामने कैमरा रहा, उसमें भी आप लोगों को स्कैन करेंगे। यहाँ पे देखो ऐसे सबका पासपोर्ट स्कैन होगा। पासपोर्ट स्कैन होने के बाद आप लोग अंदर जा सकते हो, बिना पासपोर्ट स्कैन हुए आप लोग अंदर नहीं जा सकते। यहाँ से करना हमें सिक्योरिटी चेक इन क्लियर। यहाँ के लोगों का एक आईडी बना हुआ होता है, तो जहाँ भी जाते हैं ना वो आईडी, मतलब कहीं भी आप लोग बस में जाओ, ठीक है, टैक्सी में जाओ, मेट्रो में जाओ, बुलेट ट्रेन में जाओ, नॉर्मल ट्रेन में जाओ, वो आईडी स्कैन होता है। और जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि उनका पासपोर्ट स्कैन होता है। इन लोगों के पास सब डिटेल्स आपके, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब आप कोई बस टिकट भी लोगे ना तो वहाँ भी आपका पासपोर्ट स्कैन होगा। पासपोर्ट नंबर एंट्री, मतलब कहीं भी जाओगे ना पासपोर्ट नंबर डालते ही आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी सामने। हर एक बंदे पे यहाँ की सरकार की नज़र है, मतलब वो बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है या कुछ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मतलब कदम कदम पे नज़र है, मतलब बच ही नहीं सकते यहाँ पे। मतलब आप टैक्सी भी ले रहे हो तो आपको आप अपनी आईडी स्कैन करवानी होगी। ये देखो ये है गुआंगझोउ का रेलवे स्टेशन, और यहाँ के रेलवे स्टेशन क्या ही बताऊँ यार, बहुत सारे इंडियंस लोग हैं ना, पता नहीं क्यों, मतलब मैं बताता हूँ यहाँ की, मैं इंडिया की तो बुराई कर ही नहीं रहा है, मैं चाइना की जो खूबियाँ है ना वो बता रहा हूँ, लेकिन ऑफेंड हो जाते हैं पता नहीं क्यों। भाई देखो मैं चाइना आया हूँ तो यहाँ की चीज़ें दिखाने के लिए आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ, तो पता नहीं बहुत सारे इंडियंस ऑफेंड होते हैं, पता नहीं क्यों, फालतू का वो जो सीन क्रिएट करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मुझे चलो कोई इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, कुछ भी कमेंट करते जाएं वो। और यहाँ पे आप लोगों को कम से कम एक घंटा पहले आना है रेलवे स्टेशन पे, आपको अपना चेक इन वगैरह करना है, पासपोर्ट वगैरह स्कैन करवाना है, सब कुछ स्कैन करवा के। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ की जो बुलेट ट्रेन है ना उसका हिस्ट्री। बुलेट ट्रेन पहली बार है ना जो चाइना ने अप्रैल 1997 में लॉन्च की थी, और उस टाइम जो इसकी एवरेज स्पीड हुआ करती थी ना वो हुआ करती थी 140 किलोमीटर। अब 8% की बात करें तो 8% में यहाँ की बुलेट ट्रेन की एवरेज स्पीड है ना 350 तक चली गई है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा 2022 में, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया। और 2022 में जो यहाँ पे बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है ना वो है 37,900 किलोमीटर, जो कि पूरे दुनिया की बुलेट ट्रेन का आधा है। वो आप लोग देख लो, पूरी दुनिया की बुलेट ट्रेन का आधा नेटवर्क तो चाइना के पास है, और इसी को बढ़ा के 2035 तक ना ये करने वाले हैं 70,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट डबल। और जो सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है ना वो भी चाइना में ये, हालांकि जापान लोग कहते हैं जापान में है, लेकिन जापान ने क्या है कि केवल टेस्टिंग की है, वो नॉर्मल रनिंग में नहीं आई है। नॉर्मल रनिंग में जो फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है ना वो चाइना के पास है अभी। जो चाइना की बड़ी बड़ी सिटीज है ना, जो मेजर सिटीज है ना, वो तो बुलेट ट्रेन से जुड़ी हुई है ही, लेकिन जो आजकल जो छोटी से छोटी सिटीज है ना चाइना, उनको भी बुलेट ट्रेन जो नेटवर्क है ना उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि मतलब 2035 तक है ना चाइना सारी अपनी जो छोटी बड़ी सिटीज है ना उनको बुलेट ट्रेन से जोड़ देगा, क्योंकि 70,000 किलोमीटर बहुत होता है यार। 70,000 किलोमीटर का नेटवर्क होगा 2035 में चाइना के पास बुलेट ट्रेन का। ग्लास लगा रखा है भाई, ग्लास पे चल रहे हैं हम लोग अभी। और जो इस बुलेट ट्रेन जर्नी का कॉस्ट है फेयर, वो तो मैंने बताना भूल ही गया यार। जो आधे घंटे की बुलेट ट्रेन जर्नी है ना, गुआंगझोउ से शेंजन का जो बुलेट ट्रेन का कॉस्ट है ना वो आपको लगेगा लगभग 850 इंडियन रुपीज़ के लगभग। जो 140 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन की जर्नी है ना वो 850 रुपये के लगभग है, तो कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं है। इतना सा तो अपने बस में भी लग ही जाता है, स्लीपर बस में इंडिया में। गुआंगझोउ रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल कुछ ऐसा है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने। अब देखो इतनी भीड़ है, लेकिन ऐसे आप लोगों को फील नहीं होगा कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ है। यहाँ पे आपको पीने का पानी भी मिल जाएगा रेलवे स्टेशन पे, इधर टॉयलेट वगैरह कुछ ऐसे हैं। अब आप लोग देखो 140 किलोमीटर हम लोग केवल 32 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो ये तो भाई मतलब फ्लाइट से भी फास्ट है यार, ये तो एरोप्लेन से भी फास्ट है। एरोप्लेन पे जाओगे, वहाँ पे चेक इन वगैरह करोगे, वहाँ पे एक दो घंटे बैठोगे, तो मतलब इतना टाइम वेस्ट होता है ना। और ये एरोप्लेन से भी फास्ट जर्नी होने वाली है बुलेट ट्रेन की हमारी, मतलब एरोप्लेन से जल्दी आप लोग किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो बुलेट ट्रेन से, चाइना की बुलेट ट्रेन से। अब कुछ लोग कहेंगे यार तो चाइना की बड़ाई कर रहा है, देखो बड़ाई करने वाली बात नहीं है ये, मैं बुलेट ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ तो इसकी खासियत बताना मेरा फ़र्ज है, ठीक है, आप लोगों को भी मालूम चले, वरना केवल मैं यहाँ से वहाँ तक की बुलेट ट्रेन जर्नी दिखा दूँ, बताऊँ ना कि चाइना ने क्या डेवलपमेंट किया है, ठीक है, चाइना ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है बुलेट ट्रेन में, तो वो फिर बात जमती नहीं है। कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई तुम चाइना की बड़ाई कर रहे हो, चाइना की वो कर रहे हो, चाइना की ये कर रहे हो, तो यार देखो फालतू कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बुलेट ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बस दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी मैं चाइना घूम रहा हूँ तो ठीक है यार, आप लोगों को बताऊँ तो सही, कुछ तो बताऊँ मतलब चाइना के बारे में घूमने आया हूँ। तो भाई साहब रेलवे स्टेशन देखो आप, तो क्या ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है।
और यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना वो भी एकदम लाजवाब है सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ का। तो चलो कहीं बैठते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग कभी चाइना घूमने आओगे ना तो आप लोग एक बात बता दूँ, आपका आधा टाइम तो यहाँ ना ट्रेन जर्नी में निकल जाएगा। सही बता रहा हूँ, कभी हमने 24 आवर्स की ट्रेन जर्नी भी की है। चाइना का भी ट्रेन नेटवर्क बहुत अच्छा है और इंडिया का ट्रेन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। इंडिया में भी आप लोग ट्रेन से कहीं भी जर्नी कर सकते हो। हालांकि है कि अपनी इंडिया की जो ट्रेन है ना इतनी एडवांस नहीं है जितनी चाइना की है ना ट्रेन, इतनी एडवांस नहीं है। तो हालांकि आने वाले टाइम में इंडिया भी काफ़ी ग्रोथ करेगा मुझे लगता है, जो ट्रेन सेक्टर है ना उसमें तो मेरे हिसाब से रेलवे सेक्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा इंडिया। यहाँ पे आके बैठ जाओ, सामने जो बोर्ड है उस पर सब कुछ मेंशन होता रहेगा, कौन सी ट्रेन है, कौन से प्लेटफॉर्म से चेक इन ओपन हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ दिख जाएगा। वो देखो शी जिनपिंग सामने, साक्षात शी जिनपिंग बैठे दिख रहे होंगे आप लोगों को। एक चीज़ माननी पड़ेगी, यहाँ का जो रेलवे स्टेशन का स्टाफ है ना वो काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने इतने रेलवे स्टेशन देखे सभी जगह ना यहाँ का रेलवे स्टाफ है ना बहुत ही हेल्पफुल मिला है मेरे को। और ये बच्चा मेरे को घूर ही जा रहा है पता नहीं क्यों। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारा जो चेक इन है वो स्टार्ट हो गया है। ओ माय गॉड, बहुत भीड़ लगा यार, इतना लंबा लाइन चेक इन के लिए। ग्रीन सिग्नल आ गया हमारी वाली ट्रेन का, मतलब वो चेक इन स्टार्ट हो गया है। मुझे करना है यहाँ पे मेरा पासपोर्ट स्कैन। कम से कम 3 जगह आप लोगों का चेकिंग होगा, आप लोगों की आईडी चेक होगी, आप लोगों का फेस को स्कैन करेंगे, उसके बाद आप लोगों को एंट्री मिलेगा अपने ट्रेन में बोर्डिंग करने के लिए। वो देखो बुलेट ट्रेन, एक तो वो गई, ये है यहाँ का बुलेट ट्रेन स्टेशन, सारी की सारी बुलेट ट्रेन खड़ी है। और हमारी वाली बुलेट ट्रेन है ये वाली 9 नंबर पे, मतलब इतना सिक्योरिटी है ना, इतना सिक्योरिटी आदमी कहीं भी बस नहीं सकता। मतलब वो कुछ भी कर ले, वो जहाँ भी जा रहा है ना उसकी सारी एक्टिविटीज ना डिटेक्ट हो रही है। मतलब हर एक एक कदम पे निगाहें यहाँ के गवर्नमेंट के, आदमी कुछ भी कर रहा हो भले ही। आपका वो नेशनल आईडी कार्ड है वो स्कैन होगा, कहीं भी जाओ, टैक्सी में जाओ, बस में जाओ, कहीं भी जाओ। हेलो, दिस वन। चलो यार एक बार आगे चल के ना, अभी अपने पास टाइम है ना, तो आगे चल के एक बार आप लोगों को बुलेट ट्रेन दिखाता हूँ कैसा दिखता है आगे से। वो देखो 2 बुलेट ट्रेन जा रही है उधर से, और हम जिस बुलेट ट्रेन में जाने वाले हैं हमारी बुलेट ट्रेन है ये वाली। एक बुलेट ट्रेन वो आ गई, मैं यहाँ पे खड़ा खड़ा ना बुलेट ट्रेन ही देख रहा हूँ। काफी देर हो गई, 3 से 4 बुलेट ट्रेन देख ली मैंने अब तक। वो देखो वो बुलेट ट्रेन आ गई एक और। ये बुलेट ट्रेन है ना बीच में एक जॉइंट होता है, 2 बुलेट ट्रेन को जॉइंट करके रखते हैं, पता नहीं 2 है लेकिन वो देखो बीच में ना जैसे अपन ट्रैक्टर और ट्रॉली को जॉइंट करके रखते हैं ना, वैसे जॉइंट करके रखा है दोनों के बीच में। एक और बुलेट ट्रेन आ गया है, तो गाइज अब चलते हैं। बाहर से बहुत देख ली बुलेट ट्रेन, लो यार ये थोड़ा क्लोज से भी देख लो। बुलेट ट्रेन इसलिए बोलते हैं कि ये ना इनका शेप ना बुलेट जैसा होता है। तो वो गई एक वाली तो गई यहाँ से, ये है अपनी वाली, सीट ले लेते हैं यार। अब हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं। ड्राइवर भाई साहब वो अंदर आके बैठ गए, वो आप लोगों को दिख रहे होंगे ड्राइवर। चलते हैं थोड़ा सा अंदर, अब आप लोगों को दिखाएंगे चाइना की बुलेट ट्रेन की स्पीड, अंदर क्या क्या होता है इसमें। अच्छा 5C, ये है 16C, 20ABC, ये अंदर से कुछ ऐसी होती है यहाँ की जो बुलेट ट्रेन है। देख लो सीट वगैरह ठीक है, सीट वगैरह ऐसी ही मिलेगी, नॉर्मली सीट वगैरह सब ऐसी ही मिलेगी। ये है यहाँ की जो बुलेट ट्रेन है उनके टॉयलेट वगैरह कुछ ऐसे होते हैं ना, प्लेन जैसा फ्लाइट जैसा टॉयलेट बना रखा है यहाँ पे हैंड वॉश के लिए, ठीक है। और ये साक्षात मैं सामने, लेकिन एक चीज़ है इसमें यार, आप लोग यहाँ से ना सीधा किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकते हो, एक कंपार्टमेंट से किसी भी कंपार्टमेंट में आप लोग जा सकते हो। अभी ट्रेन स्टार्ट हुई है और इसका स्पीड है 194 किलोमीटर पर आवर। अभी तो केवल स्टार्ट हुआ है हमारा ट्रेन, 200 तक पहुंच गया है, देख लो स्टार्ट होते ही 302 क्रॉस हो गया है स्पीड।
देखा जो पास से चीजें गुजर रही है ना, यूँ गुजर रही है, बस पता ही नहीं चलेगा कितनी सी देर में। थोड़ा सा आप बाहर देखोगे वो चीज निकल जाएगी, फिर बाहर देखोगे वो चीज भी निकल जाएगी। अब हमारी ट्रेन जर्नी हो गई ख़त्म और स्पीड अब धीरे धीरे डाउन होता हुआ जाएगा 164, 163। यूँ लगा जैसे बैठे और इंजन आ भी गया। 300 की स्पीड में भी ना यहाँ पे इंटरनेट इतना ज़बरदस्त चल रहा था, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह सब इतना ज़बरदस्त वर्क कर रहा था, गूगल वगैरह सब एक नंबर भाई। मतलब 300 की स्पीड में भी आप लोग देखो इतना ज़बरदस्त वर्क कर रहा था इंटरनेट। इस ट्रेन में ज़्यादातर लोग आते हैं ना वो मतलब वहाँ गुआंगझोउ से सेंजन जो काम करते हैं ना, वर्कर होते हैं ना, वो लोग आते हैं। आप लोगों को पीछे कपड़ों वगैरह से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि सारे के सारे ना एम्प्लॉयज़ हैं। तो सेंजन काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे गुआंगझोउ से वर्कर लोग हैं जो सेंजन जाते हैं, 140 किलोमीटर डेली काम करने जाते हैं, 140 किलोमीटर फिर वापस घर आते हैं। और मात्र जो जर्नी है वो 32 मिनट्स का। देख लो 140 किलोमीटर यहाँ पे काम करने जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। 140, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर आप लोग काम करने जाते हैं तो अपने घर से दूर। ये सेंजन है ना इस मेट्रो स्टेशन का लास्ट स्टेशन था, मतलब ये वहीं से गुआंगझोउ से स्टार्ट होती है और सेंजन तक आती है बस। यहाँ पे देखो एग्जिट करने के लिए भी आपको अपना आईडी स्कैन करना पड़ेगा, अपना फेस स्कैन करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ पता रहेगा यहाँ की गवर्नमेंट को कि कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से कोई बस लेगा ना बाहर निकल के, तो उनको सब पता होगा कि ये बंदा कहाँ से बस लिया, कहाँ पे गया। यहाँ पे देखो वापस से सब लोग अपनी आईडी स्कैन कर रहे हैं बाहर निकलते टाइम। हमें हमारा पासपोर्ट स्कैन करना है। सेंजन दिल्ली स्टेशन से हम लोग आ गए हैं बाहर। वैसे नॉर्मली यहाँ पे लोग ना पीछे पड़ते नहीं है, लेकिन ये भाई टैक्सी के लिए पीछे ही पड़ गया यार। मतलब एक बार मना कर दोगे ना आप लोग तो कोई भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा, एक बार मना मतलब मना। यहाँ पे बैठते हैं। सेंजन काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है सेंजन का। अभी यहाँ बैठे बैठे यहाँ पे जो सेंजन का सिटी सेंटर है ना वो फुटियान, तो फुटियान में हम लोगों ने कुछ हॉस्टल होटल वगैरह देखे, तो यहाँ से मेट्रो लेके फुटियान जाएंगे और फुटियान जाने के बाद होटल लेंगे, होटल लेके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे सेंजन को एक्सप्लोर करने। तो ये जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है ना ये देखो, ये सेंजन नॉर्थ रेलवे स्टेशन, इन्होंने क्या ही जबरदस्त रेलवे स्टेशन बना रखा है भाई साहब। अभी जो सेंजन मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हम लोग मेट्रो ले रहे हैं यहाँ के सिटी सेंटर के लिए। भाई यहाँ पे मेट्रो लेना मतलब कोई जंग जीतने जैसा है यार, इतना भीड़ होता है और मेट्रो भी मतलब लंबी लंबी लाइन लगी होती है। कभी कभार तो दो दो तीन तीन मेट्रो चेंज करना पड़ जाता है, कभी कभार चार मेट्रो भी चेंज करनी पड़ जाती है आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। और भीड़ देखो यार, इतना भीड़ यहाँ पे देखो यार, इन लोगों का लाइफ क्या है। मतलब ये लोग सुबह निकलते हैं, अभी देखो गेट पे ना बस एक भी बंदा अंदर नहीं आ सकता, इतना भीड़ हो गया यहाँ पे, इतना भर गया फुल। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सेंजन में मेट्रो लेके और जो यहाँ का सिटी सेंटर है ना वहाँ पे आ गए। मेट्रो में भी हम लोगों ने बहुत धक्के खाए यार। फुमिन बोलते हैं इस जगह को, फुमिन फुमिन आसपास है जो ये ऐसा कुछ दिखता है। सिटी सेंटर की पहला जो इम्प्रेशन है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। गुआंगझोउ से सेंजन आने में लगा 32 मिनट, ठीक है, लेकिन जो वहाँ से मेट्रो लेके जो सेंजन का नॉर्थ कौन सा पता नहीं नॉर्थ रेलवे स्टेशन था वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग लग गए 1.5 घंटे। भाई मेट्रो में इतने हालात ख़राब है पूछो मत यार, इतनी भीड़ आती है, एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप लोगों को 3-4 मेट्रो चेंज करनी होती है। यहाँ पे देखो किसी भी होटल में चेक इन करते हैं ना आपका फोटो वगैरह पासपोर्ट वगैरह सब देखिए, भाई मेरी फोटो खींच रहा है, ये देखिए फोटो मेरा कैमरे से फोटो क्लिक कर रहा है भाई। ये फाइनली हम लोगों ने हॉस्टल ले लिया है, ये वाला मेरा बेड है ए, ये मुझे पड़ा 70 युआन का, 70 युआन मतलब हो गया लगभग 800 इंडियन रुपीज। हॉस्टल अच्छा है लेकिन ये की यहाँ पे लगाएंगे तो ये रे खुल जाएगा, ये देखो ये खुल गया, ये बंद हो जाएगा, आप अपना सामान इसमें रख सकते हो। और ये बाहर का हॉस्टल से बाहर का भी कुछ ऐसा दिखता है, हॉस्टल अच्छा है। तो गाइज अब टाइम हो गया ब्रेकफास्ट करने का, ये यहीं पे हमारा हॉस्टल था और ये हॉस्टल के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और यहाँ पे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट था।
ठीक है, ये कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बैठ के मैं खा रहा हूँ। यहाँ पे वेज नूडल्स घास फूस ठीक ठाक दिख रहा है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा टेस्ट आता है। ठीक है, टेस्ट अच्छा है। अब वेज लोगे तो ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल प्योर वेजिटेरियनर। 12 युआन का में पड़ेगा, 12 युआन हो गए लगभग 135 इंडियन रुपीज के लगभग। यहाँ से जो हांगकांग है ना, बस एक क्रॉस किया और पास में हांगकांग आ जाएगा। अभी हमें शेंज़ेन में, ये था इस वीडियो के बारे में। अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो बुलेट ट्रेन थी चाइना की, वो भी आप लोगों को उसकी जर्नी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चाइना की बुलेट ट्रेन के बारे में क्या राय है आप लोगों की वो भी कमेंट में जरूर बता के जाना।